Hello students, today we will discuss about thalus. So let's start with this line. The past is certain and the future is obscure. So this is our outline, biography of thalus, theory of water, view of thalus and general information. Biography of thalus. Thalus of Miletus was born in 625 BC in Miletus. थैलस जो थे वो मिलिटियस में पैदा हुए 625 बीसी में. ही वॉज फादर ऑफ फिलोसफी. थैलस वॉज द सन ऑफ एग्जेमियस एंड द सिल्यूबिन. ही इज बिलीव टू हैव बीन द टीचर एंड ऑफ एन एग्जामेंडर. ही वॉज अ बिजनेसमैन. और थैलस ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ वाटर. वाटर इज प्राइमरी प्रिंसिपल. एवरीथिंग हैज़ बीन क्रिएट फ्रॉम वाटर एंड रिटर्न टू बैक द वाटर. उसने कहा था कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं या हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो पानी से बनी है, और जब उसका टाइम या वक्त ख़त्म होगा तब फिर से वो पानी ही बन जाएगी या पानी में मिक्स हो जाएगी. ही इज़ रिमेंबर प्राइमरी फॉर हिज कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर एज द एसेंस ऑफ ऑल मैटर विथ अर्थ अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन आवर वेस्ट सी. उसने कहा जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि जो हमारी ज़मीन है फ्लैट किस्म की, वो भी तो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है. तो ये मीन सबसे बड़ा प्रूफ है कि हर चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी पानी से ही बनी है और पानी में ही आखिर में मिक्स हो जाएंगी. और अब व्यू ऑफ थैलस. थैलस ने अपना एक व्यू दिया था जिसमें उसने एक सिंपल मॉडल बताया था के थैलस डिस्क्राइब अ सिंपल मॉडल ऑफ अ स्मॉल फ्लैट अर्थ सराउंडेड बाय अ शीट ऑफ वाटर विथ अ सिंगल वास्ट स्फीयर. दिस स्फीयर कैरीड द स्टार एंड रिवॉल्व डेली राउंड एन एक्सिस थ्रू द पोल स्टार. उसने कहा जो हमारी ज़मीन है जो फ्लैट किस्म की है वो भी समंदर के ऊपर तैरती रहती है और चक्कर काटती रहती है हर रोज़. तो उसको उसने पोल स्टार का नाम दिया. और उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास थैलस की. उसमें आता है ही इज़ अ बिजनेसमैन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो एक बिजनेसमैन था और वो वाटर का बिजनेस करता था. ही इज़ अ फिलोसोफर. उसने कॉन्सेप्ट दिया था मेटाफिज़िक्स का. और ही इज़ एस्ट्रोनॉमर मैथामेटिशंस. मैथमेटिशियन ये इसलिए था कि ज्योमेट्री का इजिप्ट में वो गया था तो उसने उस टाइम ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया था. और उस मैप वगैरह बनाना भी यहीं से स्टार्ट हुआ था. ही इज़ अ अनमैरिड. और इसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की. इसका पर्सनल कॉन्सेप्ट यही था कि जब हम शादी करते हैं तो हमारे बच्चे और बीवी की वजह से हमारी ज़िंदगी में हम बिज़ी हो जाते हैं. इस वजह से उसने शादी नहीं की. और आखिर में उसने अपने भाई के बेटे को एडॉप्ट किया था अपनी सेवा के लिए, लेकिन उसने कभी अपनी शादी नहीं की और सारी उम्र सिंगल ही गुजार दी. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.